तो स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो बीते दो दिन से लालकुआं में हो रही झमाझम बारिश ने गोला नदी के किनारे रहने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। बता दें कि लालकुआं में गोला नदी के करीब करीब एक दर्जन से अधिक गांव हैं, जिनमें सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन बरसातों के दिनों में जब गोला नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो गांव वालों की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में गांव वाले करीब तीन महीने का राशन इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। अगर जिला प्रशासन की बात करें तो नदी के पार से ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। इसी के चलते गांव वाले कई बार जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक से नदी के ऊपर एक पुल बनाने की मांग कर चुके हैं, पर यह मांग आज तक पूरी नहीं हो सकी है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल ना होने के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बरसात के दिनों में तीन महीने का राशन रखना पड़ता है। इसके साथ ही यहां पीने लायक पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को पीने के पानी के लिए कई समस्याएं उठानी पड़ती हैं। बरसात में ये नदी के लिए दिक्कत है, हमें बरसात में ब्लॉकता रहते हैं। करीब कितने गांव हैं वहाँ? आपका धन्यवाद। 40-50 गांव हैं। फिर कैसे व्यवस्था करते हैं पानी खाने की रहने की? पानी दिक्कत होती है, राशन तो तीन महीने के लिए स्टॉप कर देते हैं हम पानी के। जब पानी ज्यादा हो जाता है फिर बच्चे कहाँ जाते हैं? अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो घर जा रहे हैं। ये नदी पार करके तो वहीं पौड़ी गढ़वाल में हो रही मूसलाधार बारिश से कई सड़कों पर आवागमन प्रभावित हुआ है। जिले में दर्जनों सड़कें बारिश के कारण हो रहे लैंडस्लाइड की घटनाओं के बाद से बंद हो गई हैं। सड़कों पर हुए भूस्खलन से जिले के कई संपर्क मार्गों का संपर्क मुख्यालय से पूरी तरह से कट गया है। वहीं बारिश का सबसे ज्यादा असर जिले की ग्रामीण सड़कों पर पड़ा है, जहां कई ग्रामीण सड़कें बारिश के चलते बंद हो गई हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग की टीम संपर्क मार्गों को खोलने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश से सड़कों को खोलने में मुश्किल हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते एक के बाद एक सड़कें भूस्खलन और लैंडस्लाइड के चलते बंद हो रही हैं। वहीं प्रशासन सभी मार्गों के जल्दी से जल्दी खुलने की संभावनाएं व्यक्त कर रहा है। एक्सएन अपडेट कर रहे हैं, जो एक्सएन लैंस डाउन ने बताया है कि उनकी चार रोडें, तीन ग्रामीण और एक जो है राज्य मार्ग जो है उनका बंद है। इसी प्रकार दुगड्डा ने बताया है कि उनकी भी जो चार रोड बंद है, लेकिन वो 2 बजे तक खुल जाएगी। बैजरों से सूचना है पौड़ी की सभी रोडें खुली हैं, और पाबो ने बताया है कि उनकी भी करीब 3 रोड बंद है, और वो जो है कुल मिलाकर के जैसे ही बारिश रुक रही वो तुरंत खोल रहे हैं। सभी जगह हमारी मशीनें तैनात हैं, लोग एक्टिव हैं और एक्टिवली खोलने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की बेटी और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य स्नेहा राणा का घर वापसी पर देहरादून में जोरदार स्वागत किया गया है। निजी स्कूल में आयोजित हुए कार्यक्रम में स्नेहा राणा के कोच रहे नरेंद्र शाह और किरण शाह ने स्नेहा का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें देश व राज्य का नाम रोशन करने के लिए बधाई भी दी। इस मौके पर क्रिकेटर स्नेहा राणा ने कहा कि जब वह इंग्लैंड दौरे पर खेल रही थी तब उनके दिमाग में बस यही ख्याल था कि टीम को हार से बचाना है, और उसमें वो कामयाब भी रही। वहीं स्नेहा राणा के स्कूल प्रिंसिपल रहीं प्रतिभा ने कहा कि स्नेहा ने राज्य का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है और उन्हें गर्व है कि उनकी स्टूडेंट ने आज ये मुकाम हासिल किया। करने जाएंगे या स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो उनको अपना एक गोल बनाना बहुत जरूरी है कि उस गोल के फिर उसके बाद स्टेप्स आते कि आप उस गोल तक कैसे पहुंच पाए। तो उसमें एक फिटनेस अपने डाइट का बहुत ही मेजर रोल है, और मुझे लगता है कि गोल सेटलमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मैंने भी अपना एक गोल रखा था कि मुझे एक दिन इंडिया खेलना है, तो मैं उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करती थी। मतलब कभी मेरे माइंड में ये सेकेंड थॉट नहीं था कि मुझे कहीं और जाना है, तो वो गोल सेट करना बहुत जरूरी है। स्नेहा अपने प्रतिभा, कठिन मेहनत और दृढ़ संकल्प के व
वजह से आज उस मकाम पर पहुंची है जहां वो पहुंची है। एक साधारण परिवार से संबंध रखने के पश्चात इस बुलंदी तक पहुंचना, इस ऊंचाई तक पहुंचना एक बच्चे के लिए सपने जैसा हो सकता है, लेकिन हम इसलिए खुश हैं कि हमारे ग्राउंड पर खेलते हुए एक बच्चा आज देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूल के लिए गौरव के क्षण है, उत्तराखंड के लिए गौरव के क्षण है और देश के लिए भी गौरव के क्षण है। अच्छा लगता है जब अपने बच्चे अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं और मैं मानती हूँ कि हमारे स्कूल का ग्राउंड बहुत भाग्यशाली है। यहाँ पर गुरु राम राय महाराज जी की ब्लेसिंग्स हैं। इस ग्राउंड में 3 खिलाड़ी नेशनल लेवल के दिए हैं। उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को पर्यटन के जरिए रोजगार से जोड़ने की नई प्लानिंग की है। प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि केदारनाथ के दर्शन के बाद वापस आने वाले यात्रियों को फुट मसाज थेरेपी दी जाएगी। सतपाल महाराज ने कहा है कि सरकार ने अब प्रदेश के नौजवानों को फुट मसाज थेरेपी की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार का उद्देश्य है कि पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन के जरिए भी युवाओं को रोजगार मिल सके। सतपाल महाराज ने कहा कि हम युवाओं की टीम बनाकर उनको कैंपिंग का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि वह आने वाले समय में पर्यटकों को पहाड़ों पर ले जाकर कैंपिंग करा सके। सतपाल महाराज ने बताया है कि इसके लिए सरकार युवाओं को स्लीपिंग बैग, राशन, टेंट जैसे सभी जरूरी सामान भी उपलब्ध कराएगी जिससे वह पर्यटकों को कैंपिंग का आनंद दिला सकें और उन्हें रोजगार भी मिल सके। तो आपको बता दें कि रोजगार के साथ साथ धार्मिक स्थलों में जो लोग पहुंचते हैं उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है, साथ ही वहां पर जो युवा हैं उनका भी ध्यान रखा गया, उनके रोजगार की जो व्यवस्था है वो भी की जा रही है। सतपाल महाराज ने पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार का उद्देश्य है कि पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन के जरिए भी युवा जो हैं वहाँ पर उनको रोजगार मिल सके। सतपाल महाराज ने आगे कहा है कि हम युवाओं की टीम बनाकर उनको कैंपिंग का भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो ये सारी जानकारियाँ सतपाल महाराज ने दी हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरह की प्लानिंग की गई है जिसके चलते पर्यटन के साथ साथ युवाओं के रोजगार का भी ध्यान रखा गया है। केदारनाथ से जो आते हैं पैर थक जाते हैं और ढलान के अंदर आते आते आदमी के जो एंकल्स है काफी उनमें दर्द हो जाता है, तो हमने अपने बच्चों को प्रशिक्षित करने का अभियान शुरू किया है जिसमें फुट मसाज वो करेंगे और पैसे कमाएंगे, तो निश्चित रूप में उनको रोजगार भी मिलेगा, फुट मसाज करने का मौका भी मिलेगा। इस प्रकार से हम एक टीम बना के अपने यूथों को भी यूज कर रहे हैं, उनको काम दे रहे हैं जिससे कि वो पहाड़ में जाके कैंपिंग का एक प्रशिक्षण प्राप्त करें और फिर पर्यटकों को पहाड़ों में ले जाकर कैंप कराएं। इसमें हम उनको स्लीपिंग बैग, खाना बनाने का सामान और टेंट, तंबू सब चीज उपलब्ध कराएंगे जिससे कि पर्यटकों को वो कैंपिंग का आनंद दे सके। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रदेश में अतिवृष्टि और आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और हमेशा अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी घटना की स्थिति में जल्द से जल्द राहत व बचाव कार्य संचालित हो, रेस्पॉन्स टाइम जितना कम हो सके किया जाए, कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता को महसूस होना चाहिए कि शासन प्रशासन को उनकी चिंता है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को आराकोट जाकर वहां के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को हाल ही में स्वीकृत राहत राशि का वितरण तत्काल रूप से करवाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आवश्यक संख्या में जियोलॉजिस्ट की नियुक्ति कर ली जाए और आपदा राहत कार्यों के लिए तैनात हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाए ताकि आम लोगों तक राहत जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी टिहरी से हाल ही में देवप्रयाग क्षेत्र में सक्रिय हुए बाघ के बारे में भी जानकारी ली है। तो सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा की है, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन प्रशासन को जनता के बीच जाना है और उनके बीच ऐसा संदेश पहुंचाना है कि शासन प्रशासन को उनकी चिंता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने पूरी बैठक ली, बैठक लिए उन्होंने ऐसे ऐसे जो आपको बताए जा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप तस्वीरें उनकी बैठक की, आपदा प्रबंधन की उन्होंने समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि लोगों के बीच जाएं, जनता के बीच जाएं और उनके बीच एक ऐसा मैसेज छोड़ा जाए कि शासन प्रशासन को उनकी चिंता है,
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी जो उत्तरकाशी के हैं आराकोट जाकर वहां के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के भी निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी को। वहीं जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को हाल ही में स्वीकृत राशि का वितरण तत्काल रूप से करने के निर्देश दिए हैं। तो अधिकारियों के साथ मीटिंग की, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। एडेनिक एक्शन फिल्म एंड म्यूजिक वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही हिंदी फीचर फिल्म गुनगुनाती राहों में की शुरुआत हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसका शुभारंभ किया है। इस दौरान फिल्म निर्माता आदित्य राजेश कुमार शर्मा, निर्देशक विकास फडणवीस सहित फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही। भूपतवाला स्थित एक होटल में फिल्म के मुहूर्त के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर उत्तराखंड की वादियां फिल्म निर्माण के लिए बेहद सटीक है। प्रदेश सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम भी उठा रही है। आपको बता दें, फिल्म गुनगुनाती राहों में उत्तराखंड के चारों धामों को फिल्माया जा रहा है, जिससे देश दुनिया को बड़े पर्दे पर चार धाम के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही इससे उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। फिल्म निर्माता आदित्य राजेश कुमार शर्मा ने बताया है कि यह उनके प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म है और पूरी फिल्म उत्तराखंड में ही शूट की जाएगी, जिसकी शुरुआत धर्मनगरी हरिद्वार से की गई है। फिल्म के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति व चार धाम यात्रा को दिखाया जाएगा। फिल्म के निर्देशक विकास फडणवीस ने बताया कि फिल्म दर्शकों को खूब हंसाएगी, रुलाएगी और उत्तराखंड की खूबसूरती से रूबरू कराएगी। विकास फडणवीस ने बताया, किसी तरह यह पहला मौका है जब किसी हिंदी फिल्म में उत्तराखंड के चारों धाम को फिल्माया जाएगा। मेरी फिल्म एक इंजर्नेशन की चारधाम यात्रा पे डिपेंड है, जो अपने भाई बहनों को, भाई बहनों के साथ निकले अपने प्यार को ढूंढने के लिए। तो मैं इस प्यार में पूरा उत्तराखंड की सौंदर्यता वगैरह सब दिखाना चाहता हूँ। एक चारधाम की यात्रा एक इंजर्नेशन कर रही है, एक सिंपल मैसेज विद फैमिली है। शाहजहाँपुर का एक छोटा सा बच्चा जो कि मुंबई में एक अच्छे एक्टर बनने की ख्वाहिश लेके आया था, लेकिन आज महादेव की कृपा से, जिसकी नगरी में मैं यहाँ पे हरिद्वार में खड़ा हूँ, उनकी बदौलत, उनके आशीर्वाद से और मेरे भाई लोगों के प्यार से मुझे मुंबई में एक अच्छा प्रोड्यूसर बना दिया। एडेनिक एक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड करके हमारी कंपनी है, जो एक प्रोडक्शन हाउस है, जो सभी नए लोगों को चांस दे रही है, जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा है, कुछ जुनून है, वो लोग यहाँ पे मुकाम, अपने जो सपने लेके आते हैं हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ में एडेनिक एक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी जा रही है। अभी काफ़ी हमारे हॉलीवुड के प्रोजेक्ट हैं, जो इस प्रोजेक्ट अभी जिसके लिए मैं आज कल हरिद्वार आया हूँ, गुनगुनाती राहों में हमारी फिल्म है, जो कि उत्तराखंड की वादियों को, उत्तराखंड की खूबसूरतियों को दर्शाएगी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। हमारी टीम के साथ में हम 30 से 35 दिन तक शूट करने वाले हैं, जिसमें हम चार धाम की यात्रा इसमें दिखाएंगे और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो एम्स ऋषिकेश में एक मामला आया था, जहां बल्लीपुर देहरादून में एक 29 वर्षीय युवक रात को टहलते वक्त छत से गिर गया था, जिससे बाउंड्री वॉल में वहां पर जो लगे लोहे के नुकीले एंगल उसके पैर में घुस गए थे, जिसके बाद युवक के परिजनों ने पड़ोसियों की मदद से बाउंड्री वॉल से एंगल काट कर युवक को एम्स ऋषिकेश में भर्ती करा दिया था, जहां एम्स के ट्रामा चिकित्सकों ने उसकी सर्जरी कर उसके दोनों पैर खराब होने से बचा लिए थे। एम्स के ट्रामा सर्जन डॉक्टर मधुर उनियाल ने इस बारे में बताया कि मरीज की दोनों जांघों में लोहे के नुकीले एंगल बहुत अंदर तक घुसे हुए थे। यह बड़ी कठिन परिस्थिति थी और एंगलों को जबरन बाहर निकालने से मरीज के दोनों पैर हमेशा के लिए खराब हो सकते थे। ऐसे में रात में ही घायल व्यक्ति की आधुनिक मेडिकल तकनीक से तत्काल सर्जरी की गई और नुकीले एंगलों को शरीर से निकालकर उसके दोनों पैर खराब होने से बचा लिए गए। देखिए, मॉनसून का सीजन चल रहा है, इस समय अभिघात या ट्रॉमा एकदम से बढ़ जाता है। कारण है कि स्लिपरी होना, बारिश होना, पैर फिसल जाना। ऐसा ही एक उदाहरण है, एक यंग मेल था जो अपनी छत पे बारिश के मौसम में था और फिसल गया। फिसलने के बाद वो अपने घर की जो फेंस होती है उसमें जो सरिया लगे होते हैं उसके ऊपर गिर गया और इसके दोनों जांघों में सरिया आर पार हो गए। वो फेंस के ऊपर का सरिया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आगे से पॉइंटेड होता है, साइड से उसमें
पैनी चीजें निकली होती हैं, वो सब इसके पैर में फंस गए थे। लेकिन सबसे अच्छी बात और जो समझदारी वाली बात मरीज के तीमारदारों ने की कि उन्होंने सरिया निकालने का प्रयास नहीं किया और उसको वहीं से मैं वेल्डिंग के द्वारा काट कर मरीज के साथ ले आए। मरीज का ऑपरेशन हम लोगों ने यहाँ पे एम्स ऋषिकेश में किया, दोनों पैरों से सरिया निकाला जा चुका है और मरीज अब बिल्कुल स्वस्थ है। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में आज थाना सतपुली द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर उपनिरीक्षक दीपा शाह के नेतृत्व में महिला हेल्पलाइन 1090 डायल 1112 साइबर अपराध और बाल अपराधों से बचाव के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां पर पुलिस टीम द्वारा बसों जीप और टैक्सियों में जागरूकता पैम्फलेट चिपकाए गए, साथ ही वाहनों में सफर कर रही सवारियों को भी इस संबंध में बताया गया। सभी को सफर के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए भी सचेत किया गया, साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि पुलिस इस जन जागरूकता अभियान को आगे भी जारी रखेगी। अभियान में के देशराज और जगदीश सिंह भी शामिल रहे। तो सतपुली पुलिस ने ये जागरूकता अभियान चलाया है, इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी करने का भी काम किया, लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का भी काम किया है सतपुली पुलिस ने। और इस संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, जहां पर पुलिस टीम द्वारा बसों जीप और टैक्सियों में ये जागरूकता पैम्फलेट भी चिपकाए गए, साथ ही वाहनों में सफर कर रहे सवारियों को भी इस संबंध में जागरूक किया गया, उनको जानकारियाँ दी गई। सभी को सफर के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया है, साथ ही उनको बताया गया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से कैसे बचा जाए, इस उपरांत उनको जानकारियां दी गई। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग के द्रोगी गांव में गुलदार ने एक महिला को अपना शिकार बना लिया है। वहीं वन विभाग की टीम इस घटना के बाद से पूरे दलबल के साथ क्षेत्र में तैनात है। गुलदार के लगातार हो रहे हमलों की घटनाओं से लोगों में वन विभाग के खिलाफ रोष है, तो साथ ही लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर है। आपको बता दें, इससे पहले भी गुलदार ने क्षेत्र में एक महिला को अपना शिकार बनाया था, जबकि एक अन्य महिला को घायल कर दिया था। वहीं आज गुलदार ने गांव की 50 वर्षीय गुंदरी देवी को अपना शिकार बनाया है। इस घटना के बाद से लोगों में खौफ है, ऐसे में वन विभाग के अधिकारी भी जल्द गुलदार को पकड़ने की बात कह रहे हैं। देवप्रयाग वन विभाग अधिकारी DS पुंडीर ने बताया कि क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है और जल्द ही गुलदार को पकड़ लिया जाएगा। उत्तराखंड शासन द्वारा कोविड-19 की तीसरी लहर के बचाव के दृष्टिगत कावड़ मेला को प्रतिबंधित किया गया है। इसी क्रम में आज CCR भवन में उत्तराखंड व अन्य राज्यों के पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों की ADG लॉ एंड ऑर्डर V मुरुगेशन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। मंच का संचालन प्रदीप राय SP ट्रैफिक द्वारा किया गया। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ मेला को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण बातों पर विचार विमर्श किया, साथ ही अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों से उनके राज्यों से आने वाले कांवड़ियों को समझा बुझा कर लौटाने के लिए कहा गया। इसके साथ ही अपने राज्य की सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात करने का निर्णय भी लिया गया है, जिससे कोई कांवड़िया प्रदेश में प्रवेश ना कर पाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई कांवड़िया नियम और आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी के मांडो नीराकोट और कंकराड़ी में जल प्रलय से भारी तबाही मची हुई है। मांडो गांव में जल प्रलय के कारण कई घर मलबे में दब गए हैं। यहां हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन एक बुजुर्ग ऐसा नहीं कर पाया। इस कारण वो करीब 2.5 घंटे मलबे में दबा रह गया, जिसके बाद पुलिस ने स्थानीय युवाओं की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार रविवार रात 8:30 बजे जब मांडो गांव के गदेरे में जल प्रलय की वजह से मलबा बहा, उस समय सभी लोग जान बचाकर सुरक्षित जगहों की तरफ भाग रहे थे। इसी दौरान 3 लोग मलबे में दब गए। इस घटना के दौरान 75 वर्षीय गैणा सिंह घर में सो रहे थे, तभी अचानक पानी के साथ मलबा आया
और वो घर में भर गया। इस दौरान बुजुर्ग का भतीजा भी बुजुर्ग को लेने आया, लेकिन तब तक मलबा आने के कारण बुजुर्ग का भतीजा भी मलबे की चपेट में आ गया, जिसे स्थानीय लोगों ने समय रहते बचा लिया। मगर बुजुर्ग गैना सिंह मलबे से दबे घर के अंदर ही फंस गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय युवाओं ने बुजुर्ग को बचाया, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से गैना सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर सुबेग सिंह ने परियोजना निदेशक संजय कुमार पर अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है, जिसके चलते डॉक्टर सुबेग सिंह ने अपने पद से त्याग पत्र भी दे दिया है। डॉक्टर सुबेग सिंह का कहना है कि 15 जुलाई को संजय कुमार अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेरे पास अस्पताल आए थे, पर एक इमरजेंसी केस आने पर मैंने संजय कुमार को 10-15 मिनट रुकने को कहा। इसी बात पर संजय कुमार को गुस्सा आ गया और वो मेरे साथ अभद्रता और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे। डॉक्टर सुबेग सिंह ने यह भी बताया कि अस्पताल से जाने के बाद परियोजना निदेशक संजय कुमार ने मुझे फोन किया और फोन पर भी जान से मारने की धमकी दी। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा है कि मामले में जांच होगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। तो परियोजना निदेशक ने की डॉक्टर से अभद्रता, तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनका कार्यालय जहां पर यह पूरा अभद्रता का मामला सामने आया। डॉक्टर ने त्याग पत्र दे दिया है, यही जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं यही वो कार्यालय है जहां पर बैठते थे डॉक्टर साहब, जहां पर अभद्रता की गई। आपको बता दें इसी बात पर संजय कुमार को गुस्सा आ गया, ये सुबेग सिंह का कार्यालय है, फिलहाल आपको बता दें इसी बात पर संजय कुमार को गुस्सा आ गया और वे मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी है परियोजना निदेशक पर, ये आरोप लगाए हैं डॉक्टर सुबेग सिंह ने। डॉक्टर सुबेग सिंह ने आगे क्या कुछ कहा, डॉक्टर सुबेग सिंह ने कहा है कि अस्पताल से जाने के बाद परियोजना निदेशक संजय कुमार ने उनको फोन किया और फोन पर भी जान से मारने की धमकी दी है, तो डॉक्टर ने इसके बाद त्याग पत्र दे दिया है। आज ही मामला आया है ये और इसमें कुछ आपसी बहस की या कुछ बात हुई है, मैं जिला अस्पताल में सीएमएस साहब से और सीएमएस साहब से बात करके इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसलिए मेरे जो वीडियो साहब हैं संजय कुमार जी, वो एक्चुअली परसों जो है मेरी ओपीडी में आए थे 15 तारीख के आसपास, तो उनके वो भी आए भी नहीं थे, उनका आदली आया था पहले मेरे पास, और मैं उसी समय पर एक जो है हार्ट अटैक के पेशेंट को देख रहा था, वहाँ पे एक बूढ़े बाबा थे, उनके अगली ने मुझे आके बोला कि आप वीडियो साहब आ रहे हैं और आने में कितना अंतर होता है, तो मैंने ये बोला कि आप 10 मिनट रुक जाइए, मैं मरीज देख लेता हूँ, ये मरीज देख लेता हूँ। उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट जो वीडियो साहब थे वो अंदर आए, उन्होंने बदतमीजी करी वहाँ पे आके, ये बोला कि तू मुझे लाइन में खड़ा करेगा। देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आज कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने जिला कार्यालय देहरादून में कार्यभार संभालकर शासकीय कार्य निपटाए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को रोजगार से जोड़कर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और तीसरी लहर से निपटने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के साथ ही मानसून से निपटने के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना उनकी प्राथमिकता होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नवनियुक्त डीएम है आर राजेश कुमार, देहरादून के नए डीएम बने हैं, आज कार्यभार संभाला है, अपने दफ्तर में पहली बार पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो कार्य योजनाएं हैं उन्हें जन जागरूक करना है, लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने साथ ही कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को रोजगार से जोड़कर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता में आता है। करना चाहूँगा कि उन्होंने इस इम्पोर्टेंट पोस्ट पे मेरी नियुक्ति की और एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेरी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि जो केंद्र या राज्य की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के मिशन के अनुरूप उनको रोजगार से जोड़ना है, जो फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है कि हम उसको रोजगार से जोड़ें कोई भी योजना, तो वो भी मेरा फोकस रहेगा। उत्तरकाशी में बीते 24 घंटों से हो रही बारिश से जगह जगह तबाही मची हुई है। जिले के दर्जनों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। भटवादी ब्लॉक के मांडो ककरांडी में फटे बादल से उत्तरकाशी लंबगांव केदारनाथ मोटर मार्ग भी साडा गांव के पास
बाधित हो गया है। कंकराड़ी गांव से आए सैलाब से साडा गांव के पास बनी पुलिया भी बह गई है, जिससे लंबगांव धनोत्री क्षेत्र के दर्जनों गांवों का संपर्क भी जिला मुख्यालय से टूट गया है। साथ ही लंबगांव से केदारनाथ जाने वाला मार्ग भी बंद हो गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बादल फटने से जो तबाही मची है, बादल फटने के बाद संपर्क मार्ग टूट गया है, लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता अब बाधित हो गया है, पुलिया टूट गई है, बादल फटने की वजह से ये पूरी तबाही, और तबाही की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रास्ते बंद हो चुके हैं, पुलिया बह चुकी है, मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। ये पूरा मामला जो है भटवादी ब्लॉक के मांडो ककरांडी में फटे बादल से, वहाँ पर पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बादल फटने से तबाही मची, तबाही मचने के बाद आपको बता दें कि संपर्क मार्ग पूरी तरह से टूट गया है। चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत समिति ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की है। समिति के महामंत्री हरीश डिमरी ने कहा कि बोर्ड को भंग करने की मुहिम पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। उनकी इस मुहिम को अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा एवं विश्व हिंदू परिषद का पूर्ण समर्थन मिला है, ऐसा उन्होंने कहा। पुरोहित महासभा के अध्यक्ष महेश पाठक ने सीएम उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर भी देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की है। यही मांग विश्व हिंदू परिषद के स्तर से भी की गई है। हरीश डिमरी ने कहा है कि सरकार इस मामले में अब बिल्कुल भी देर ना करे और जल्द पहले की स्थिति बहाल करे। उन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के देवस्थानम बोर्ड के समर्थन में दिए गए बयान का भी विरोध किया है। इसी के साथ केदारनाथ धाम में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन 38वें दिन भी जारी रहा है। तो देवस्थानम बोर्ड के विरोध में जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, आज 38वां दिन था प्रदर्शन का। इसी के साथ प्रदर्शन कर रहे तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के देवस्थानम बोर्ड के समर्थन में दिए गए बयान को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया है। आज तीर्थ पुरोहितों के जो प्रदर्शन जो वो कर रहे हैं लगातार जारी है, उसको आज 38वां दिन था, और इसी के साथ उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कहा है कि वो मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के स्तर से भी मांग जो है वो उठाई गई। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।